दुनिया को कोरोना की महामारी देने वाला चीन एक बार फिर दुनिया भर में महामारी फैलाना चाहता है। चीन ने 3 साल से चल रही जीरो कोविड पॉलिसी को हटा दिया है और अब चीनी नागरिक दूसरे देशों में सफर कर सकेंगे। इससे पहले 3 साल तक चीनी नागरिकों के दूसरे देशों के सफर पर पाबंदी लगी हुई थी। हालांकि चीन के इस कदम को दुनिया शक की नजर से देख रही है। चीन की वजह से दुनिया भर के देशों में जो तबाही आई है वो लोग भूले नहीं हैं। किस तरह ये देश दुनिया भर में कोरोना फैलाने के बाद चीन की तस्वीरों को दुनिया भर में जारी कर रहा था, जिसमें चीनी नागरिक पार्टी करते हुए दिख रहे थे। यही वजह है कि दुनिया भर के देशों ने अपने देश में चीनियों के घुसने पर कई तरह की शर्तें लगा दी हैं। मिसाल के तौर पर अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, जापान, इटली और कई देशों ने कहा है कि चीनी नागरिक उनके देश में तभी प्रवेश कर पाएंगे जब उनके पास कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट होगा। यहाँ तक कि बाहर से आने वाली फ्लाइट के वॉशरूम के पानी की भी जांच की बात कई देशों ने कही है, क्योंकि उन्हें चीन के कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट पर भरोसा नहीं है। वैसे भी चीन पूरी दुनिया में अपने झूठ और फरेब के लिए जाना जाता है। पूरी दुनिया में चीनी नागरिकों पर तरह तरह के प्रतिबंध लगने से चीन बौखलाया हुआ है और वो कह रहा है कि दुनिया भर के देशों की मानसिकता नक्सलवाद वाली है। यही वजह है कि वो खास तौर पर चीनी नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। इस बात से खिसियाए चीन ने दक्षिण कोरिया और जापान के नागरिकों को शॉर्ट टर्म वीजा देना बंद कर दिया है और साथ में धमकी भी दी है कि चीन उन देशों के साथ वही सलूक करेगा जैसा वो चीन के साथ कर रहे हैं। हालांकि चीन ये भूल जाता है कि दुनिया को कोरोना जैसी महामारी देने वाला देश वही है। दुनिया भर के देशों को मौत बांटने वाला भी चीन ही है। दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था खराब करने और कई देशों को कंगाल करने वाला भी कोई और नहीं, चीन है। क्या क्या गुनाह गिनाए जाए शायद गिनती कम पड़ जाए, लेकिन चीन मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अब चीन माने या ना माने, लेकिन दुनिया भर के देशों ने तय कर लिया है कि इस बार चीन से एक्सपोर्टेड महामारी वो अपने यहाँ पर नहीं फैलने देंगे और इसी वजह से चीनी नागरिकों की स्क्रीनिंग बेहद टाइट कर दी गई है। यहाँ तक कि चीन के मित्र देश समझे जाने वाले देशों से आने वाली फ्लाइट्स पर भी दुनिया की खास नजर है, क्योंकि चीनी स्क्रीनिंग से बचने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना सकते हैं।